अत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक सप्तदशोऽध्यायः आरभ्यते। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। सत्रवा अध्याय प्रथम श्लोक। अर्जुन बोले हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विके राजसे चैव तामसे चेति ताम श्रेणो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देहधारियों अर्थात मनुष्य की वह स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की सात्विक राजसिक और तामसिक होती है उसे तुम मुझसे सुनो। सत्वानरोपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयम् पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। हे भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है यह पुरुष श्रद्धा में है इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यच्छ रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं तथा दम्भ अहंकार काम और राग से भी युक्त होते हैं। तर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विभ्यासुर निश्चयान्। और शरीरस्थ भूत समुदाय को तथा मुझ अंतर्यामी को भी कर्ष करने वाले अर्थात कष्ट पहुंचाने वाले जो अविवेकी लोग हैं उन्हें तुम आसुरी निश्चय वाले जानो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं श्रेणो। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयोः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रेते विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रियाः। आयु सत्व अर्थात शुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को प्रवृद्ध करने वाले एवं रसयुक्त स्निग्ध अर्थात घी आदि की चिकनाई से युक्त स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले आहार अर्थात भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कट्वम लवणात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोज्य करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयावम गतरसम पोते पर्यशितम चयत उच्चिष्ठम अपिचामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफला कांचे भिर यज्ञ विद दृष्टो य इज्जते यस्तव्यमेवेति मनः स
समाधाय सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियंत्रित किया हुआ तथा जिसे यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा मन का समाधान अर्थात निश्चय कर फल की आकांक्षा नहीं रखने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। अभिसंधायत बलम दंभार्थम अपिचैवयत इज्जते भरतस्त्रिष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विदहे नम सृष्टान्नम मंत्रहे नम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवद्विजगुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंसिद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मसंयम और अंतकरण की शुद्धि, यह सब मानस तप कहलाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षभिर्युक्तैः सत्यकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभे न चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। मोडग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तमसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक स्वयं को पीड़ित करते हुए अथवा अन्य लोगों के नाश के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमित यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव से जो दान योग्य देश काल को देखकर योग्य पात्र अर्थात व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना गया है। यत् प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानम् राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर कलेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरा।
ओम तत्सत, ऐसा ही हो। ब्रह्म का त्रिविध निर्देश अर्थात नाम कहा गया है, उसी से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। तस्मादो मित्योदाहित्या यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले शेष पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यनभिसंधाया फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया चत्विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् शब्द का उच्चारण कर फल की इच्छा नहीं रखते हुए मुमुक्षु जन यज्ञ, तप, दान आदि विविध कर्म करते हैं। सद्भावे सद्भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत्य भाव व साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रशस्त अर्थात श्रेष्ठ शुभ कर्म में सत शब्द का प्रयुक्त होता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ स्थिति भी सत कही जाती है और परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह इस लोक में लाभदायक नहीं है। ओम तत्सदिते श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्री नारायणार्पणमस्तु। हरिः ओम।